एंडोरा रेसिज्म वगैरह है कहीं कहीं कर देते हैं लोग। परमवीर और एक और इंडियन और किसी को नहीं निकाला, मेरे को मेरा पासपोर्ट देगा। एक बार कूदेगा इस पे देखें टूटता कि नहीं टूटता। तो ये जो बस खड़ी है अवांजा करके ये जाती है, इसकी टिकट ली हमने तो पहुंच गई। ये है बार्सिलोना नॉर्ड करके स्टेशन है और ये बस है हमारी। जो भी वो दिख गया मेरे को लंबा सा। हाँ परमवीर क्यों जा रहे, कहाँ जा रहे? एंडोरा। क्यों जा रहे? घूमने वाली जगह है। क्या 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 है वहाँ पे? स्पेन में बार्सिलोना पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, और बार्सिलोना से इतनी पास है। बार्सिलोना तो क्या है एंडोरा में? एंडोरा में सुंदरता है। इसको बस काउंट प्लस प्लस करना है। कितना काउंट हो गया वैसे? मेरी अभी आज एंडोरा 36 हो गई, जितनी आपकी एज है 36। आप अपनी एज काउंट करने से फुर्सत नहीं, कंट्री काउंट कहाँ करोगे? उम्र होगी, उम्र है वीडियो बनाने की। शादी शुदी करके घर पे रहो। ठीक है, अभी यार 3 घंटे की बस है ये। अंदर घुसे मास्क लगाओ, पासपोर्ट दिखाओ, टिकट दिखाओ, फिर मैं आज कर रहा दोबारा फिर दोबारा फिर बोला बैग उधर रखो बड़ा है। तो बस अभी निकल रहे हैं। मेरे को कल जाना था वैसे अकेले, हमारा प्लान नहीं था साथ जाने का। मेरी कल की टिकट थी लेकिन मैं कल उठा नहीं सुबह, और ट्रेन बस मैंने छोड़ दी। ये आज भी नहीं उठ रहा था वैसे तो। आज कैसे उठ गया था? मैं तो कुछ नहीं फोन करे सुबह। मैं पूरा दिन कल इसी चीज का रिग्रेट कर रहा था कि ट्रैवल में मैं ऐसे नुकसान करता हूँ तो कैसे काम चलेगा। अभी जो थोड़ा नुकसान हुआ है, किसी दिन बड़ी फ्लाइट छोड़ दी तो उस टाइम छोड़ चुका था फ्लाइट भी एक आधी बार, तो वो इकट्ठी होगी कल वाली भी। तो मैं बिना अलार्म के उठ गया आज, बिना अलार्म के। अच्छा, बिना अलार्म के? मैं 4 फोन तो मैंने करे, साइलेंट वाला फोन मेरा। अच्छा, नहीं तो उठा ही नहीं लेता वजह से। मैं तो उठे बाद देखा, फिर अलार्म उसके बाद बजा, उसे रिग्रेट में था मैं। चलो देखते हैं क्या है अंदोरा में भाई। जैसे इसने कहा था ना फ्लॉप शो अंतालिया में, नाइट लाइफ कुछ नहीं था। अभी देखते हैं अंदोरा की सुंदरता क्या बोल रहा है। ब्रेकफास्ट यहाँ किया, एक कुकी खाई थी, लंच अंडोरा में करेंगे, डिनर में बुल्गारिया में करूंगा, आप जर्मनी में करना, फ्रांस में। मैं फ्रांस में करूंगा, मैंने हॉस्टल बुक कर लिया अपना। कौन सा दोगे? नाम भूल गया मैं तो, नहीं क्या था। तो भाई पहुंच गए हम अंडोरा। रास्ता काफी सुंदर था, ये तो सोते आया था रास्ता। देखते हैं शायद देश भी सुंदर हो। पहले हम कहीं बैग रखने पड़ेंगे हमें, बिकॉज ये पकड़ के तो हम मतलब बैग के साथ से नहीं घूम पाएंगे, तो कुछ स्टोरेज ढूंढते हैं। तो यार ये थे यहाँ पे बस स्टैंड पे लॉकर, तो जैसे इसका किराया था 4 यूरो। ये जैसे यहाँ पे लिखा रहा है ना, ये देखो 4। तो हमने सिक्के डाले इसमें 4 के और फिर चाबी निकली है, इसमें हमने अपने सब बैग स्टोर कर दिए। शायद 24 घंटे का होगा, तो देखते हैं। बाहर बैठे तो परमवीर भाई बड़ा सुंदर है देश, तो कहाँ जा रहे हैं हम, क्या देखने जा रहे हैं? हम यहाँ की सुंदरता देखे हैं। कहाँ? देखो मैं एंडोरा के बारे में आपको कुछ बात करता हूँ। अभी जो इसको मैं नहीं बताई अभी। हाँ क्या बताए? हाँ, टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं 10 लाख साल में, और इनकी पॉपुलेशन 1 लाख से भी कम है, मतलब 10 गुना से भी ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। जो 1 लाख से भी कम इनकी पॉपुलेशन है वो रेजिडेंट्स और सिटीजन दोनों को मिला के, विच मीन्स ये पॉपुलेशन वाइज दुनिया में 11th सबसे छोटी कंट्री है। लैंड वाइज 16 सबसे छोटी कंट्री है, 6 होगा, देख लेना जो भी है। हमने भी अभी देखा है। अरे मेरे को तो बहुत पहले पड़ा था ना, तो अभी याद नहीं। टबैको यहाँ पे बहुत प्रोड्यूस होता है, हालांकि छोटी सी कंट्री और बहुत सस्ता मिलता है, तो लोग फ्रांस से और स्पेन से आते हैं यहाँ से इलीगली टबैको बहुत ज्यादा स्मगल भी करते हैं। और यहाँ पे अभी तक इंडोर भी मतलब स्मोक करना अलाउड है, यूरोपियन यूनियन का ये पार्ट नहीं है, पर इनकी करेंसी भी यूरो है। इनकी खुद की कोई और करेंसी कभी नहीं थी, पहले स्पेन की करेंसी यूज करते थे या फिर फ्रांस की करते थे। और एंडोरा इज अ को प्रिंसिपैलिटी, यानी कि प्रिंसिपैलिटी का मतलब होता है जहाँ पे कोई प्रिंस रूल करता है, जैसे कि मोनाको में यहाँ पे प्रिंस करते हैं, लेकिन 2 प्रिंस पावर्स शेयर करते हैं, जॉइंट को प्रिंसिपैलिटी है। एक प्रिंस तो है जिसमें से फ्रांस का प्रेसिडेंट, और दूसरा प्रिंस है बिशप ऑफ उर्जेल। उर्जेल एक रीजन है फ्रांस का, कैटलून स्पेन का। स्पेन का यार, हाँ गुड, स्पेन का। और इधर की ऑफिशियल लैंग्वेज कैटलन है, और ये वर्ल्ड की ओनली ऐसी कंट्री है जिधर कैटलन ऑफिशियल लैंग्वेज है इधर की। तो अभी जब हम निकले ना बाहर यार, लेकिन मैं अब अपनी में क्या बोलूंगा, सब तो आपकी वीडियो बोल दिया, मेरी वीडियो ले लियो ऐसे ही। नवांकुर में ऐसे करते थे। तो मैं अभी निकला बाहर, तो मैंने देखा भाई फ्री के टॉयलेट है यहाँ पे, तो मैं कहा यहीं पे अपना कर लेते हैं सब कुछ। तो ये खड़ा बैठा था बाहर, तो सब कुछ पढ़ लिया इसने, तो अभी
और सब कुछ अभी उगल दिया। तो अभी पहले हम खाना वाना खाएंगे कुछ, तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट दिख रहा है सामने, खाना खा के थोड़ा घूमते हैं। हमारे पास टाइम है 5 घंटे तकरीबन, फिर मैं निकल जाऊँगा फ्रांस और ये निकल जाएगा वापस बार्सिलोना, और इसकी फ्लाइट है फिर आज, ये जा रहा है आगे शायद बुल्गेरिया। सो या लेट्स सी हाउ द डे गोस। यार यूरोप में ना मैं बहुत कम ही आता हूँ रेस्टोरेंट में, जनरली क्या करता हूँ सुपरमार्केट से खा लिया या मैकडी से खा लिया, सबवे से खा लिया, क्योंकि अपना डॉक्टर तो सबवे का फैन है, वो तो जब देखो सबवे इंडियन रेस्टोरेंट और सबवे। तो अभी हमें लगी थी भूख तो हम आए एक रेस्टोरेंट पे, एक बंदा आया, हमने आके पहले बैठ के बोला कि खाने का नहीं है सिर्फ ड्रिंक्स का है, कॉफ़ी वगैरह मिलेगी। तो मैंने कहा भाई ब्रेकफास्ट का करते हैं लोग, बोला पूरे अंदोरा में 12:30 बजे के बाद ही खाना मिलेगा। मैंने कहा भाई फिर कहाँ नाश्ता करें, तो बोला आई कैन मेक यू पिज्ज़ा। तो अभी हमने पिज्ज़ा ऑर्डर कराए और कितने 12 यूरो का है शायद, तो 6-6 का पड़ेगा दोनों को, तो कोई सीन नहीं है। तो पिज़्ज़ा खाने के बाद फिर हमें परमवीर जी घुमाएंगे कहाँ, जहाँ भी घुमाएंगे है ना। मेरी स्टोरी रिपोस्ट कर रखी है और उसमें मैंने हिंदी में लिख रखा है। तो अभी पहले जा रहे हैं यहाँ कोई पार्क है, एक पता नहीं यार यहाँ पे कुछ है नहीं पूरे देश में, ढूंढना पड़ेगा जबरदस्ती कुछ ना कुछ है। परमवीर तो हम ब्यूटी देखने वाले हैं अब, ये जगह देख मतलब ये अट्रैक्शन है, मेन अट्रैक्शन है। हाँ अच्छा ब्यूटी, नहीं तो तू ऐसे मतलब कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बोल रहा, ऐसे छुप क्यों रहा है, चेहरा क्यों छुपा रहा है। क्या रहा हूँ, ब्यूटी तो हर जगह है, बाथरूम में भी ब्यूटी है, आप देखो ढंग से, ये तो बहाने हैं। अच्छा यार यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि जैसे मैंने बोतल भर ली थी, जैसे ये पानी है तो ये पीने वाला पानी है, जहाँ पानी पी सकते हैं आराम से, और बाकी ये मेन अट्रैक्शन है भाई यहाँ की, यहाँ सिर्फ बच्चे आते हैं, पानी अपनी आंख भी भरते हैं, वही कह रहा हूँ मैं। हाँ जी परमवीर जी, दूसरी कहाँ है, सेकंड अट्रैक्शन क्या है इस शहर की, पहली तो बहुत ही शानदार है एकदम, तो बहुत सही है, हाँ दूसरी कौन सी है। कुछ नहीं है चलो वापस। तो ये पेट्रोल पंप है यहाँ का, और गाड़ी के नंबर पे जैसे ANDE लिखा है अंदोरा। ये मुझे दिखा अभी रास्ते में जाते जाते कि भाई कुछ अलग सा एग्जीबिशन ही लगी है। बाकी इफ आई कंपेयर इट टू एनी अदर यूरोपियन देश तो नॉर्मल ही है वैसा, सही साफ सुथरा देश है और जनता कम है, ये झंडा है इनका, और ये बिल्डिंग थोड़ी लग रही है खासी ऊपर, पता नहीं क्या ऐसे लोग बिठाए हुए इन्होंने बहुत सारे, आई डोंट नो क्या सिग्निफिकेंस है इसका, लेकिन वहाँ पे एक पुल सा है तो कोशिश करेंगे वहाँ जाने की, मे बी कुछ अच्छा हो। तो ये है वो पुल और मेरे ख्याल से रास्ता इधर से है। वैसे मैंने भी इसी रंग की टी शर्ट पहन रखी है, आई कैन ऑल्सो गो एंड ज्वाइन देम। अबे ये थोड़ी ना वो वाला पुल है दूसरा, ओए अबे वो दूसरा पुल है ना एक। तो यार शायद मतलब टूरिज्म के लिए कुछ खास नहीं है इस देश में, लेकिन जो लोग रहते हैं यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ 2% है, यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब 81 ईयर्स की थी, अभी भी 81 ईयर्स है, तो लिविंग कंडीशन काफ़ी अच्छी हैं। तो मे बी टूरिज्म के लिए नहीं है था, बट रहने के लिए मुझे लग रहा है कि प्रीटी नाइस प्लेस। तो भाई ये आ गए हम ये वाले पुल पे, मतलब ऐसे ही ठीक है, मुझे लगा था शायद ग्लास इसकी वो होगी फ्लोर, सिर्फ यहीं पे फ्लोर ग्लास का है। भाई तू बहुत भारी है, मत जा उधर टूट जाएगा ये, एक बार कूदेगा इस पे देखें टूटता कि नहीं टूटता इस पे। हाँ हिला तो है थोड़ा सा पर टूटा नहीं। तो ये इन्हें ये आदमी पता नहीं चार क्यों बैठे लेटरिंग कर रहे। तो यार ये वाला पुल भी देख लिया, लेकिन अभी भी परमवीर ने बताया था कोई एक लोकेशन, क्या बोला था तू कहाँ पे है वो, कासा दिल वाला कुछ कासा, हाँ मतलब कोई सरकारी कोई पुरानी बिल्डिंग है शायद, वो भी देख लेते हैं। पर मुझे लाइक आई एम प्रीटी श्योर कि टूरिज्म के लिए नहीं बना भाई ये देश, पता यार परम हाँ। इनकी इकॉनमी चलती टूरिज्म पे है पूरी, तो क्या लोग क्या देखने आते हैं, तो लोग क्या देखने आते हैं यहाँ पे, मुझे वो समझ नहीं आ रही बात, मुझे भी नहीं आ रही समझ में। अभी तक तो हमने कुछ इंटरेस्टिंग देखा था, बच्चे नाचते हुए देखे।
हाँ खींचता हूँ तेरी फोटो में, रुक जा। तो यार जैसे ये इधर यहाँ पे कैफेज वाली स्ट्रीट थोड़ी सी है, थोड़ा सा कॉबल स्ट्रीट वाली फील है, लेकिन इससे काफ़ी काफ़ी गुना अच्छा था जो हम जिरोना गए थे। अगर आपने मेरी वो जनवरी वाली वीडियोस देखी हैं स्पेन की, तो उनमें काफ़ी अच्छे अच्छे गांव देखे थे हमने। तो कुछ ऐसा कुछ नहीं लग रहा अभी तक मेरे को खास। ये देख लेते हैं क्या है भाई, ये भी पुराना सा घर कुछ बना हुआ है, यही सा गया वो जो भी तुमने बताया था कासा। हाँ यही तो है कासा दे लावाल। तो भाई ये इनकी नंबर वन अट्रैक्शन है, सही है। तो मैं यहाँ पे देखने आया कि भाई क्या लिखा है, तो ये पता चला कि ये जो है ये पुरानी पार्लियामेंट है, फॉर्मर आंदोलन पार्लियामेंट। तो पता नहीं कोई और गेट है शायद इधर से, वहाँ चलते हैं अंदर, इधर से होगा शायद। सही बिल्डिंग है ये, अच्छा अंदर चढ़े हुए हैं लोग, अंदर चलते हैं, शायद तीन चार फ्लोर हैं इसके। तो हम जो बात कर रहे थे कि भाई यहाँ पे लोग क्या करने आते हैं, अगर कुछ देखने को है नहीं तो टूरिज्म क्यों है इतना, तो वो बिकॉज ऑफ स्कीइंग है। तो ये स्कीइंग डेस्टिनेशन है, अभी तो गर्मियाँ हैं तो कोई स्कीइंग हो नहीं सकती, तो जब ये सर्दी आएंगी बर्फ़ पड़ेगी तो आ जाएंगे सब लोग स्कीइंग करने, तो सारा स्कीइंग के कारण टूरिज्म ज़्यादा है। तो यार इसके अंदर जाने का एंट्री फीस थी, गाइडेड टूर के लिए यू हैव टू रिजर्व इन एडवांस, और अगर आपको ऑडियो गाइड लेके मतलब वो आपको डिवाइस देंगे उसमें ईयरफोन लगे होंगे आप सुनते सुनते चले जाइए, उसके शायद 5 या 10 यूरो हैं। तो हमारा म्यूचुअल डिसीजन था कि रहने देते हैं तो कहीं और चलते हैं, यही तो ठीक है कहीं और चलते हैं। तो ये ऐसे रास्ता बना हुआ पूरा का पूरा, ट्रेल यहाँ से जाती है और फिर वहाँ घूम के वहाँ तक, थोड़ी सी इधर भी है शायद लेकिन ये बंद होगी, देखता हूँ जाके ऊपर। तो मुझे समझ तो नहीं आ रहा कि ये क्यों बनाई गई है, मेरे ख्याल से तो बस ऐसे व्यू हैं अच्छे अच्छे, थोड़ा सा अभी और चढ़ते हैं ऊपर तो और अच्छा व्यू आएगा, ड्रोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो भाई क्या रहा तेरा फिर, क्या फीडबैक रहा? फीडबैक कुछ नहीं, बस अपन 4-5 घंटे के लिए आए थे, मेरे को ऐसा लग रहा है ये भी बहुत ज्यादा एंडोरा। हाँ मतलब कुछ है नहीं, स्कीइंग है बस, स्कीइंग करनी है तो आ जाना, नहीं तो अगर जैसे इसके जैसे लोग होते हैं कंट्री काउंट प्लस प्लस करना है मेरे इतने देश हो गए तो आ जाना, वैसे मत आना है ना, वैसे मत आना, कोई और रीजन नहीं आने का। क्या सुंदर है, क्या सुंदर है। अभी हम जा रहे हैं सुपर मार्केट देखने के लिए कि चीज़ें कितनी महंगी हैं, नॉर्मल चीज़ें दूध वगैरह, चॉकलेट दूध ब्रेड, जैसे कि हम करते हैं हर वीडियो में जिस देश भी जाते हैं। तो यहीं पे ही है सुपर मार्केट, और हमें साथ में मैं अभी निकल रहा हूँ इसके बाद फ्रांस के लिए, तो रास्ते में कुछ खाने के लिए भी ले लेंगे। ये सुपर मार्केट बहुत बड़ी नहीं है इस देश के हिसाब से, ये और इतनी आगे तक इनका सामान वेस्ट नहीं जाता होगा। ये सी फूड है, तो फूड क्या रहा है, ये सी फूड है इधर, और पानी में छोड़ रखा है, जिंदा है ये। तो जिंदा अच्छा, आगे फ्रेश रहे, और जब किसी को लेना हो तब मार के देते हैं, और मार के दे देंगे उसको, उसकी जब मर्जी है उसको रखना है पानी में, घर जाके भी तो देंगे कैसे, पानी में डाल के देंगे। अच्छा ये है दूध है ना, ये तो ऑरेंज जूस है पैक्ड, ये है 180 का, ऑलमोस्ट 140 रुपये, ये तो सस्ता है हिसाब से, अपने इंडिया में भी 115-120 का आते ही है, वैसे तो इसमें चीनी होती है मोस्टली और पानी। हाँ ये ले लेते हैं, मैं भी यही लूँगा। तो ये लिक्विड योगर्ट है, ये 229। कौन सा फ्लेवर लेगा? ये ही ले लो जो भी है, 200 रुपये का। हाँ स्ट्रॉबेरी ले लो, एक ये प्रोटीन वाला भी ले लो मेरे, देखे कैसे अपने पास? कितने का ये? 229 का, 15 और 15 30 ग्राम प्रोटीन आ जाएगा, 200 रुपये। ये ब्रेड्स यहाँ तरह तरह की, मल्टीग्रेन वगैरह,
कितने हैं 270। ब्रेड महंगी है ना, लगभग 200 रुपए का ये ब्रेड का एक लोफ है जो स्लाइसेस कटे हुए इसके। बट चलो यूरोप के साथ ठीक ही है। तो ये हो गया हमारा केक, दही ले लिया और ये तो चार का। हाँ ये 4 यूरो का हमने केक लिया। ये केक मैंने मोनाको में भी लिया था, आपने वो वीडियो देखी हो तो काफ़ी सही लगा था मेरे को। चले चलो कुछ चॉकलेट या कुछ लेंगे, वो रिसेप्शन वो जहाँ पे बिलिंग होगी वहीं पे। ठीक है तो मेरे हिसाब से कितना है, 4 और 6 पता नहीं, 10-12 यूरो का सामान लिया होगा हमने। हाँ ठीक है बाल, ठीक है फिर कब मिलेगा आप अगली बार? कब मिलेंगे पता नहीं, यूएस में आजा बोलेगा नहीं ये मेरा ना इसको पता था यूएस वीज़ा मेरे पास है नहीं, तो मामा बोलता यूएस आ जाओ ना, चलते हैं यूएस साथ में। अभी जा रहा कहाँ जा रहा है? बुल्गेरिया है, अभी हम बुल्गेरिया, फिर वहाँ से सर्बिया, फिर 31 को बर्लिन से यूएस, फिर आगे देखेंगे यूएस से घर, तो घर में मिलेंगे दिल्ली में। ठीक है ठीक है, चलो ओके बाय। तो परमवीर तो गया इस बस में, मेरी ये वाली छोटी सी बस है, मैं जा रहा हूँ तुलूज़, तो तुलूज़ से आगे देखेंगे कहीं ट्रेन में जाएंगे, यहाँ ट्रेन चलती नहीं है अंदौरा में, तो इसलिए मुझे इसमें जाना पड़ रहा है। कोई भी सीट लेके बैठ जाएंगे, नहीं बैठ जाते आगे पहली सीट पे। अभी अभी क्या सीन हुआ यहाँ पे कि बस रोकी गई और बस में हम 3-4 ही लोग थे, एक मैं था और 2-3 अफ्रीकन डिसेंट का ही लोग लग रहे थे, तो तीनों को हमें बाहर बुलाया गया। एक्चुअली मुझे परमवीर का मैसेज आया अभी, उसके साथ भी सेम सेज हुआ कि उसकी पूरी बस में सिर्फ 2 लोगों को निकाला, वो जो 2 इंडियन थे, परमवीर और एक और इंडियन, और किसी को नहीं निकाला। मेरे को मेरा पासपोर्ट देगा पहले, फिर मुझे बोला कि कब गए थे तुम अंदौरा, मैं कहा भाई सुबह ही आए थे, तो बोले तुमने स्टैंप क्यों नहीं ली, मैंने कौन सी स्टैंप, तो बोला बस रुकी थी, मैं क्या रुकी थी, पुलिस वाले चेक करने आए पासपोर्ट, उन्होंने पासपोर्ट देखा और चले गए ऐसे ही, तो बोला तुमने स्टैंप, यू शुड हैव आस्क्ड फॉर अ स्टैंप, मैं क्या भाई मुझे पता नहीं, मैं क्या कि अंदौरा शेंगेन नहीं है, बोला नहीं है शेंगेन अंदौरा, तो फिर बोला कि बाहर आओ सामान दिखाओ अपना, तो पंगे कर रहे हैं फालतू में बस। तो बस अभी मैं आ गया हूँ, पासपोर्ट मुझे, मैं क्या भाई मुझे पता ही नहीं मेरा, तो वैसे तो मल्टीपल एंट्री है तो मुझे कोई सीन नहीं है, पर बोला था तूने स्टैंप क्यों नहीं लगवाई, तो ठीक है थोड़ा तंग करा उसने, सामान वामान मेरा स्कैन करा, और मतलब काफ़ी रूडली बोल रहा था यार, बाकी सब चीज़ें सही हैं। मतलब मैंने ये देखा कि बाहर के मुल्कों में पुलिस वाले बड़े प्यार से बोलते हैं, लेकिन ये कभी कभी ऐसे होता है जब बोलते हैं ना कि भाई रेसिज्म वगैरह है कहीं कहीं कर देते हैं ये लोग कांड। चलिए अभी सब कुछ सही है, अभी हम बस वापस जा रहे हैं, तो यहीं पे ही मैं अभी बस में ही बैठा हूँ, अभी एक बंदे का थोड़ा कुछ काम फंस गया, वो भी चेकिंग वेकिंग करा रहा है, वो आएगा तो फिर हम निकल जाएंगे आगे टुल्लूज के लिए। तो भाई ये पहुंच गए हम टुल्लूज, तो हमने इतना फ्रांस देखा नहीं है, फ्रांस बस हम निकले ही थे पिछली बार भी बस ट्रेन में ही, तो इस बार मैं सोचा रुक जाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे नाइट स्पेंड करेंगे आज और सुबह निकलेंगे आगे के लिए, तो अभी चलते हैं हॉस्टल। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम एमलिन है। कहाँ से हो तुम? कौन से शहर में रहती हो? वेट, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ओह अच्छा, ओके अच्छा।